अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो शेख सबा अल खालिद ने बोला है, और ये जो है पहले मरहले की बात चल रही है। अभी जो पहला मरहला चल रहा है कुवैत के अंदर, और उन्होंने बयान दिया है इस पर क्या हो सकता है इसको अभी आगे बढ़ाया जाए। और उनका कहना है कि ज़्यादातर जो है कुवैती नागरिक जो हैं अभी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उसके दौरान वो जो है रूल रेगुलेशन को नहीं मान रहे हैं कुवैती नागरिक, तो हो सकता है इस चीज़ को आगे तक बढ़ाया जाए और इस मरहले को आगे बढ़ाने के बाद में जो है और भी सोचा विचारी की जाए। और ये भी बताया गया है कि कर्फ्यू के दौरान कुछ चीज़ों को चेंजेस किया जाएगा, जैसे कर्फ्यू के टाइम को चेंजेस किया जाएगा और भी कुछ नए कानून जो हैं वो चेंज किए जाएंगे, और कर्फ्यू हो सकता है और भी इसमें कुछ बदलाव किए जाएँ। जैसे कि कर्फ्यू का टाइम बदला गया है शाम को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक, और भी इसमें 6 बजे से सुबह 9 बजे तक, इस तरह दो तीन टाइम दिए हैं, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं दिया है कौन से जो है चेंजेस किए जाएंगे। लेकिन न्यूज़ जहां तक निकल के आ रही है वो ये बताया गया है अगर कुवैती नागरिक कानून का उल्लंघन करते हैं या किसी भी तरह से कोई भी चीज़ नहीं मानते हैं तो ये सारी चीज़ें करना पड़ेंगी, क्योंकि अभी हाल ही में जो है कुवैत के नागरिक कोरोना वायरस से लगभग 200 से प्लस रोज़ाना के पाए जाते हैं। तो अभी काफ़ी बड़ी तादाद में जो है कोरोना वायरस जो है पैर पसार रहा है कुवैत के अंदर। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगर आप कुवैत में रहते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है, अभी एक मैबूनी कंपनी की तरफ से 50% छूट मिली है, और उस कंपनी के अंडर में जितनी भी ही दुकानें शॉप जितने भी मॉल वगैरह आते हैं उनको छूट देने की उसने ऐलान कर दिया है। अब ऐलान किन किन लोगों को छूट मिलेगी तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी कहीं पे भी दुकान है शॉप है कुछ भी है आपका मॉल के अंदर काम करते हैं कुछ भी करते हैं तो आपको 50% की छूट मिलेगी। वो मार्च अप्रैल मई जून लगभग 3-4 महीने की आपको छूट दी जाएगी, और ये जो है अभी सिर्फ इसी कंपनी ने ऐलान किया है, और इसका अगर ये छूट तो दे रही है इसमें काफ़ी बड़ा इसको लॉस होएगा, लेकिन फिर भी ये अपने जो बिजनेसमैन हैं इनको छूट दे रही है और आगे बढ़ने का सहारा बन रही है। क्योंकि अभी जैसे कि आपको मालूम है अभी काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों को लॉस हो रहा है, उनके बिजनेस ठप हो रहे हैं, लेकिन ये कंपनी ने अगला कदम बढ़ाया है, लोगों को जो है हेल्प कर रही है और अपना बिजनेस को आगे ग्रोथ करने में हेल्प कर रही है। जैसे ही कुछ अपडेट आता है अजनबियों के हवाले से इससे ही रिलेटेड तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत बताऊंगा। अगर आप भी कहीं पे काम करते हैं तो अपने कफिल अपने मालिक या अपनी कंपनी वाले से बात करें, हो सकता है आपको भी किसी तरह की छूट दे दी जाए और उनको रहम आ जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं खुद एक दूसरे के बिहेव पर होती हैं, एक दूसरे के काम को देख कर होती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हर इंसान नहीं कर पाता है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कोई कोई इंसान कर पाता है। अब पढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, ये भी कर्फ्यू के रिलेटेड है। हवेली महबूला जलेब और सुवेक इन इलाकों को सबको अलग अलग कर दिया गया है। अगर आप भी इनमें से रहते हैं किसी भी इलाके में तो सबको अलग अलग कर दिया गया है। जैसे कि महबूला जलेब और सुवेक में तो 3 महीने तक इन इलाकों को अलग किया गया है। अगर आप किसी एरिया में रहते हैं और जहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है तो आप बिना परमिशन के बाहर ना निकले, नहीं तो आपको जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी ज़्यादा लोग भाई बंधु पूछ रहे थे कि भाई आपकी आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आवाज़ अभी बिल्कुल क्लियर आई होगी इंशाल्लाह, और अगर क्लियर आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, इसी तरह का वीडियो मैं आपको बना कर दूंगा, इतनी ही वॉइस में आपको वीडियो बना कर दूंगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, नीचे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इन फ्यूचर जैसे ही कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है तो तुरंत मैं आपको अपडेट करूंगा। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।